तबाह आशियाने, चीखते लोग, मलबे से निकलती लाशें, भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के चलते केरल के वायनाड जिले में ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं। जी हां, केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। अभी तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग रोते बिलकते हुए अपनों को खोज रहे हैं। वायनाड में भूस्खलन ने न केवल घरों को तबाह किया बल्कि जल स्रोतों को भी उफान पर ला दिया। पहले अपनी सुंदरता के लिए मशहूर गांव मुंदकई, चूरलमाल, अट्टमाला और नूलपूझा अब उदासी और तबाही के प्रतीक बन चुके हैं। बाढ़ के पानी में बह गए वाहन पेड़ों के तनों में फंसे हुए हैं और कई जगहों पर डूबे हुए देखे जा सकते हैं। रेस्क्यू टीम पूरी कोशिश कर रही है कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। भारतीय सेना, नेवी और एनडीआरएफ की टीमें इस ऑपरेशन में जुटी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी पुलिस और अग्निशमन बल से आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए हैं। भूस्खलन के बाद अस्पतालों में चीख पुकार है। लोग अपनों की तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और सभी को इंतजार है उस खबर का जब कोई उनसे कहे कि आपका परिजन सही सलामत है। तबाही के मुंह से निकले लोग वो मंजर याद करके सीहर उठते हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ये थी वायनाड में भूस्खलन की ताज़ा स्थिति। अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो सावधान रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त करें।